टू द न्यू ब्रॉक फ्रेंड्स, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ भवानी ऑटोमोबाइल्स जो है कृष्णा नगर अप्रीलिया के शोरूम में। न्यू मॉडल जो निकले हैं अप्रीलिया वालों ने, जो न्यू मॉडल निकाले हैं SXR 160, तो उसका रिव्यू आज मैं आपको दिखाने आया हूँ। तो रिव्यू का एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, ये है SXR 160 अप्रीलिया, जो कि इतना अच्छा लुक नज़र आ रहा है। आप देख ही सकते हो कि जो अप्रीलिया के स्पोर्ट्स बाइक है, आपने अगर देखी होंगी, और जो स्पोर्ट्स बाइकों की उसकी लुक होती है हेडलैम्प की, तो सेम लुक उन्होंने यहाँ पे इन्हेंस कर रखी है। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे है फ्लैग, ये बनती है इटली का प्रोडक्ट है ये, और इंडिया के लिए ये बनती है। और इसके इंडिकेटर पूरा का पूरा हर जगह एलईडी का यूज़ किया हुआ है। कहीं पे भी मतलब हेलोजन आप देखें, आपको हेलोजन कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, सब जगह एलईडी का यूज़ किया हुआ है। और डिस्क ब्रेक सबसे बड़ी आती है इसके अंदर, 220mm की डिस्क ब्रेक है, सबसे बड़ी है इस सेगमेंट में। और जो इसका व्हील है, व्हील भी इसका 12 inches का है। आपको यहाँ पे बैजिंग देखने में मिल जाएगी। इसकी विंडशील्ड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत छोटा सा अप्रीलिया दिखा रखा है, और SXR 160 की बैजिंग है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडिकेटर, तो सब जगह आप देख सकते हैं एलईडी का यूज़ किया हुआ है। ये है सस्पेंशन, और यहाँ पे कुछ स्टैंड रखने के लिए यहाँ पे आप ओपन यहाँ से कर सकते हो, जो कि अप्रीलिया की हर स्कूटी के अंदर आता है। और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, पूरा स्पोर्टी लुक है, इतनी स्टाइलिश बना रखी है इसको। जैसे कि बाइकों का लुक होता है, इसकी स्पोर्ट्स बाइकों का लुक है, सेम ऐसी लुक इसको स्पोर्ट्स बाइक का दिया हुआ है। और चलने में भी बहुत अच्छी है ये। आप इसकी सीट देखो, सीट में भी ये जितनी बहुत बढ़िया कर रखी है, ये फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है सीट की, ये जो फिनिशिंग कर रखी है, और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। और इसके अंदर आप इसका ये मीटर देख सकते हैं, कंसोल, मीटर कंसोल देख सकते हैं। तो फुल्ली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दे रखी है, आप सब कुछ इसके अंदर देख सकते हैं कि ये कितना सेल्सियस है अपना, आपका 20 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ये स्पीड दिखा रहा है आपको कि कितने फ्यूल पे आप कितने किलोमीटर चल सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको टाइमिंग दिखाता है, यहाँ पे ट्रिप दिखाता है आपको, ABS दिखाता है आपको, किलोमीटर दिखाता है कितने किलोमीटर आप चलेंगे, और ये हीट दिखाता है इंजन की, हीट और कूल ऑप्शन है इसके अंदर, मतलब जो कितना इंजन हीट हो रखा है, कितना कूल हो रखा है, तो ये चीज़ वो है। बाकी यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से नहीं करना चाहते आप तो यहाँ पे भी आपको बटन दे रखा है मोड का हैंडल के पास, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं मोड, जैसा कि हो रहा है चेंज। और मैं आपको दिखाऊं उसका जो इसमें आगे की ओर बूट दे रखा है, इस चाबी को आपको कुछ नहीं करना, अंदर की ओर पुश करना है, और ये आपका बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छी खासी जगह दे रखी है, यहाँ अच्छी खासी जगह दे रखी है, आपको अपना फ़ोन डाल सकते हो आप, और यहाँ पे आप अपना चार्जिंग रख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे भी फ़ोन डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ग्लव्स वगैरह रख सकते हो आप, यहाँ पे अपना फ़ोन डाल सकते हो। यहाँ पे आपको USB चार्जर दे रखा है, ये रहा ये USB चार्जर फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो आपको इतनी फैसिलिटी आगे दे रखी है बूट के अंदर, छोटे से बूट में। और प्रेस करने पे ये बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको हुक दे रखा है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। यहाँ पे कितने इसका 3 किलो तक का ये वेट उठा सकता है हुक। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी हुक नहीं दे रखा,
जो आगे हुक आता है। तो इसकी डिग्गी आप देख सकते हो, इसके बूट के अंदर पहले से बड़ा बूट है इसका, और एक अच्छा खासा बड़ा बल्ब दे रखा है अंदर, हेलोजन बल्ब, क्योंकि रात को अगर आप कुछ सामान इसके अंदर ढूंढ रहे हो तो आप इजीली देख सकते हो सामान को। और पहले से बहुत अच्छा बूट है, इसमें एक फुल साइज़ हेलमेट आ सकता है शायद, या मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हमारे पास हेलमेट, तो इसको डाल के हम देख लेते हैं कि ये आएगा। तो ये आ चुका है हेलमेट, एक फुल साइज़ हेलमेट आप डाल सकते हो इसके अंदर, बहुत इजीली फिट हो गया है, क्योंकि पहले की अप्रीलिया में ये थोड़ा प्रॉब्लम था। और इसका फ्यूल टैंक जो है पहले से बहुत बड़ा है, 7 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जो कि पहले से बड़ा है, 1 लीटर इसके अंदर इंक्रीज़ किया है, पहले 6 लीटर का था। और बाकी ओवरऑल आप ये बटन्स देख सकते हो, ये पासिंग बटन है, ये पासिंग बटन है, और ये अपना इंडिकेटर बटन है, ये हॉर्न है, हॉर्न में चला के दिखा देता हूँ आपको। और आपको इसके इंजन की आवाज़ सुना देता हूँ मैं, इस पर टर्न लेते समय भी आपको कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, बहुत आसानी से मैं इस पर टर्न ले पा रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं आती टर्न लेने में भी। जो टॉप स्पीड है वो इसकी शायद मे बी 110 तक जाती है टॉप स्पीड, बाकी ये डेमो है, डेमो वर्जन है, तो इसमें अभी मीटर की तार इसमें जुड़ी हुई नहीं है। तो मैंने जो देखा है कि टॉप स्पीड इसकी 110 के आसपास है, और बहुत ही बढ़िया स्कूटी है, बहुत ही अच्छी है, और चलाने में भी बहुत बढ़िया है, जो कि लोग स्पोर्ट्स बाइकें स्टाइलिश बाइकें जो यूज़ करते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मॉडल जो कि स्पोर्ट्स बाइक का लुक देते हैं, जो कि आपको पूरा बाइक का मज़ा देते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कूटी है ये। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये रिव्यू तो इसको आगे से आगे शेयर करना, कमेंट करना। आपको अगर लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लिख दूंगा मैं शोरूम का, जो कि जहाँ पे हम गए थे। इसी के साथ आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है, तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए।